हाय माय लवलीज, आई होप आप सब लोग बहुत ज्यादा 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 अच्छे होंगे। मुझे ना बहुत टाइम से मेरे यूट्यूब सेक्शन के कमेंट्स में, मेरे इंस्टाग्राम के डीएम में बहुत सारे मैसेजेस मेरे को मिले थे कि दी मैं इतने साल की हूँ, मैं कौन सा स्किन केयर रूटीन फॉलो करूँ, मैं टीनेजर हूँ, मेरी एज इतनी है, मेरे को एवरीडे में कौन सा स्किन केयर फॉलो करना चाहिए। सो आई विल टेल यू स्पेशली फॉर टीनेजर्स कि आपको अपने स्किन की केयर कैसे करनी चाहिए। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर करने वाली हूँ। गाइज, ये वाला स्किन केयर हर एज ग्रुप के लोग कर सकते हैं, लाइक 12, 13, 14, 15, 16, 18+, 20+, इवन मैन एंड वुमेन दोनों कर सकते हैं। अभी हम एवरीडे के हिसाब से स्किन केयर करते हैं, तो आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए कि आपको स्किन केयर के प्रोडक्ट्स बहुत ही ज़्यादा मिनिमलिस्टिक रखने चाहिए और बहुत ही सिंपल रखने चाहिए एंड अकॉर्डिंग टू योर स्किन टाइप। इससे आपका फेस पूरा दिन रिफ्रेशिंग रहेगा। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स गेट स्टार्टेड। जितने भी स्किन केयर प्रोडक्ट्स मैंने यूज़ किए हैं वो लिए हैं मैंने शॉपजी एप्लीकेशन से। सो शॉपजी में मेरा खुद का ब्यूटी स्टोर है, आप चेक कर लेना, उसमें बहुत सारे आपको एक्साइटिंग ऑफर्स मिलेंगे। आपको अपने फर्स्ट ऑर्डर पर ₹50 का डिस्काउंट मिलेगा। सो जाइए शॉपजी से शॉपिंग करिए एंड ग्रैब योर फ्री गिफ्ट एंड मेक योर शॉपिंग एक्साइटिंग। मेरे पास है यहाँ पे बायोटिक का नीम फेस वॉश, तो ये सुटेबल है ऑल स्किन टाइप के लिए। जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैंने सारे प्रोडक्ट ऑल स्किन टाइप के हिसाब से ही रखे हैं। ये फेस वॉश आपके फेस से सारी इम्प्योरिटीज़ को, सारे डेड सेल्स को रिमूव करेगा। अगर आपके पिंपल एंड एक्ने निकलते हैं तो ये फेस वॉश बहुत अच्छे से वर्क करेगा उसे हील करने में। फेस वॉश आपको 40-50 सेकेंड तक इस तरीके से मसाज करने अपने फेस पे एंड देना आप नॉर्मल वाटर से वॉश कर लेना। हम लगाएंगे फेस पैक। मैंने लिया है ओहायो का नेचुरल ग्लो फेस पैक विद रोज एंड ऑरेंज पाउडर इन इट। इसे मैं 1 टेबलस्पून निकालूंगी एंड रोज वाटर ऐड करूंगी। आप चाहो तो नॉर्मल वाटर ऐड कर सकते हो एंड इवनली इसे अपने पूरे फेस पे स्प्रेड कर लूंगी। पाउडर फेस पैक बहुत ज्यादा अच्छा होता है, इसमें किसी भी तरीके का केमिकल एडेड नहीं है, 100% नेचुरल प्योर है। आपकी स्किन को बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट देगा। अगर आप इसे लगाओगे ना तो आप इसके फैन हो जाओगे। गाइस 15 मिनट तक छोड़ देना एंड नॉर्मल वाटर से वॉश कर देना एंड लुक एट माय फेस राइट नाउ, कितना अच्छा सा ग्लो दे करके गया है। इस फेस पैक को आप वीक में 2-3 बार यूज कर सकते हो। स्टेप थर्ड में मैं यूज कर रही हूँ बायोटिक का बायो कुकुम्बर टोनर। पोर्स सबकी स्किन में होते हैं, ये बात याद रखना, किसी की स्किन में ज़्यादा विजिबल होते हैं और किसी की स्किन में कम होते हैं। तो ये टोनर हेल्प करता है आपके पोर्स को रिड्यूस करने में एंड उसे क्लोज करने में। मैं इस टोनर को पास्ट 1 साल से यूज़ कर रही हूँ एंड ये बहुत ब्यूटीफुली वर्क करता है। ये ऑल स्किन टाइप के लिए काफ़ी अच्छा है। थोड़ा सा अमाउंट में लेके इसे आप अपने हैंड की हेल्प से इस तरीके से अपने पूरे फेस में डैब डैब कर लेना ताकि ये एब्जॉर्ब हो जाए। लास्ट स्टेप होता है किसी भी स्किन केयर रूटीन का मॉइस्चराइज़र। मॉइस्चराइज़र के लिए एलोवेरा जेल से अच्छा मॉइस्चराइज़र कोई और नहीं है। यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ ग्रीन लीफ की तरफ से एलो एंड कुकुम्बर जेल। इसमें एलोवेरा एंड कुकुम्बर दोनों की गुडनेस है। इसको आपको थोड़ा सा अमाउंट में लेके अपने फेस पे इस तरीके से मसाज करना है जब तक ये एब्जॉर्ब नहीं हो जाता। एलोवेरा तो सबने अपने फेस पे लगाया है, क्या किसी ने इन दोनों का मिक्सचर लगाया है? नहीं लगाया तो लगाइए, क्योंकि ये आपकी स्किन को स्मूथ बनाएगा, आपके डार्क सर्कल्स को हील करेगा एंड आपके ब्रेकआउट्स, पिंपल, एक्ने को भी सही करेगा। साथ ही साथ आपकी स्किन को मिलेगा ऑल डे फ्रेश लुक। अगर आप इसका कॉम्बो चाहते हैं तो आपको शॉपजी पे आराम से मिल जाएगा, वहाँ से ले सकते हैं। अगर आप ये स्किन केयर रूटीन फॉलो करेंगे, बहुत ही सिंपल रखा है मैंने, सिर्फ 4 स्टेप रखे हैं, तो आपको मिलेगी फ्रेश, हाइड्रेटेड, सॉफ्ट, सपल एंड ग्लोइंग स्किन। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय गाइज, स्टे सेफ।